So here we are with another video of University Series and today let me take you to the Leaning Tower of Pisa और उस city की बात करते हैं और आज बात करते हैं University of Pisa की। Founded in year 1343, this university is amongst the oldest university in Europe with more than 50,000 students. And the best part, this is amongst the most chosen universities in Italy, and not just for Italian students or the European students, but for international students too. Now for international students, इस यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स, मास्टर्स एंड इवन पीएचडी कोर्सेज भी मिल जाते हैं। नाउ टॉकिंग ऑफ द कोर्सेज, किस टाइप के कोर्सेज आप कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में? कोर्सेज लाइक बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज। एंड अलॉन्ग विद प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोग्राम्स में यू हैव ऑप्शंस लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक्सप्लोरेशन एंड अप्लाइड geophysics, nuclear engineering, then technology and production of paper and cardboard, economics, philosophy, history, European language and literature and many many more. ऐसे बहुत सारे options इस university में हैं। अब QS World University ranking की बात करें, so they are the 8th best university in Italy and overall बात करें तो ये 350, top 350 के list में आते हैं। That means an ideal option in this world to be chosen as the university for your program. अब एडमिशन्स की बात करें और एडमिशन टाइमलाइन की बात करें तो करेंटली मास्टर्स प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी ओपन, मास्टर्स के प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं। बैचलर्स 8th फेब से ओपन होने वाला है। अब डेडलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी हैज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज। दैट मीन्स आपको जो भी अपडेट चाहिए कि आपका कोर्स कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, इट इज़ रियली रिकमेंडेड कि आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए, बिकॉज डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट डेडलाइंस इन दिस यूनिवर्सिटी। Now requirement for this university. Now if you are going for masters, 3 साल की bachelor's की degree बिल्कुल acceptable है इस university में। Along with percentage की बात करूँ तो for both bachelor's and masters, you need minimum 65%. उसके बाद जो university या जिस course के लिए आप जा रहे हो उस पर depend करेगा, but minimum 65 आप लेकर चलिए। Along with bachelor's के लिए TOLC भी mandatory है and after that IELTS is optional, but हम recommend करेंगे कि आप IELTS कर लीजिए, because आपकी जो प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगी, इट विल एक्ट एज एन पॉजिटिव टू योर ओवरऑल प्रोफाइल। नाउ टॉकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके ट्रांसक्रिप्ट, योर मार्कशीट, SOPs, LOR, यूरोपास, CV एंड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स टू, और फिर आपके पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका वैलिड पासपोर्ट भी इसमें रिक्वायर्ड है। अब गैप ईयर्स की बात करें तो 8 फॉर मास्टर्स एंड 5 फॉर बैचलर्स, ये हमेशा ही सेम रहता है यूनिवर्सिटी के लिए। Along with इनकी locations की बात करें so they have only one campus, और जितने भी campus है जो भी है इनका सब पीसा में ही होता है, so different locations नहीं है। Along with scholarship, that is the DSU Toscana, which is regional scholarship, जिसमें आपको वापस 7,655 euros, around 7 lakh Indian rupees मिलते हैं। So yes, this was all in this small video. अब आपकी university ढूंढ रहे हैं तो एक बार university series check कर लीजिए, अगर नहीं है let us know in the comment section, we will bring that video for you. And yes, for more such informative content, subscribe to our channel. And once again, thanks for watching.